भारतीय समुद्री सीमा में मर्चेंट शिप पर बड़े हमले किए गए हैं। जी हाँ, पिछले 35 दिनों में मर्चेंट शिप पर 30 ड्रोन हमले किए गए हैं। खुद नेवी चीफ ने सीएनएस ने इस शिप पर हमलों की जानकारी दी है और बताया कि हमला करने वालों का पता लगाने में जुटी है भारतीय नौसेना, लगातार इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। देखिए, ये वॉर अपने 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 कैनवस को और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। जी, भारतीय समुद्री सीमा में मर्चेंट शिप को लगातार कैसे निशाना बनाया जा रहा है, अब देखिए हुआ क्या, आपको बता रहे कुछ भारतीय समुद्री सीमा में मालवाहक जहाज पर हमले किए गए हैं, अटैक किया गया है और 35 दिन में आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवाहक जो मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं, मालवाहक जहाज पर 30 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। सुमित जी, बिल्कुल, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया। इसके बाद निगरानी के लिए 3 युद्धपोतों को एयरक्राफ्ट को भी भेज दिया गया है, खासतौर पर PA-8 जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, विमान उसको भी तैनात कर दिया गया है, यानी इस पूरे एरिया के अंदर, और हमलावरों की पड़ताल भी की जा रही है। नदी, बिल्कुल, इसके अलावा आप खास बात क्या, आपको ये भी बता दें, इसराइल हमास युद्ध के बाद हमले बढ़े हैं और इसलिए चौकन्ना है भारतीय नौसेना, भारतीय नेवी जो है वो इस वक्त इन हमलों का जवाब दे रही है।